आज हम लोग इस लेक्चर में मेथिल एल्कोहल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेथिल एल्कोहल की प्रॉपर्टी। देखिए, एल्कोहल की प्रॉपर्टी को हम तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था। हमने कहा था ध्यान रखेंगे एल्कोहल की प्रॉपर्टी, जैसे मेथिल एल्कोहल है तो CH3O और H, H के कारण प्रॉपर्टी, OH के कारण प्रॉपर्टी और कंप्लीट एल्कोहल मॉलिक्यूल के कारण प्रॉपर्टी। ठीक, अब इसमें नंबर एक में देखेंगे रिएक्शंस ऑफ OH ग्रुप, नहीं रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ OH ग्रुप के H परमाणु के कारण रिएक्शन है, इस कितना नीचे लिखा है, और रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप के कारण प्रॉपर्टी पढ़ना है, और तीसरा रिएक्शन ड्यू टू कंप्लीट एल्कोहल मॉलिक्यूल। ठीक, अब आप देखें जो भी इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व होगा उसमें सिर्फ मेथिल एल्कोहल का हाइड्रोजन एटम, आप जल्दी देखिए नंबर एक में रिएक्शन विद मेटल लिखा है, कोई भी देखिए सोडियम मेटल जो है मेथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करके ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर लेगा, बनेगा सोडियम मिथॉक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम मिथॉक्साइड, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। दूसरा एस्टरीफिकेशन, आप जानते हैं एल्कोहल कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्रिया करेगा तो एस्टरीफिकेशन ही होता है। देखिए एल्कोहल एस्टरीफिकेशन, एल्कोहल का एच और इसका OH निकल जाएगा तो ये RCOOCH3 यानी एस्टर बन जाएगा, बस वैसे यहाँ भी बन जाएगा आपका दो मॉलिक्यूल मेथिल एल्कोहल, इसका ध्यान रखेंगे OH ध्यान रखेंगे और इसका एच, तो ये बन जाएगा आपको डाईमेथिल ऑक्सिलेट बन जाएगा, ये आपका एस्टर है डाईमेथिल ऑक्सिलेट। एसाइलेशन, जिसमें ये CH3 ग्रुप जुड़ता हो वो एसाइलेशन कहलाता है, जैसे इसमें इस यहाँ का एच और यहाँ का सेल निकल जाएगा एसाइलेशन का यानी एस्टर बन जाएगा, ध्यान दें, और फिर यहाँ भी ऐसे एनहाइड्राइड ये भी हो जाएगा। एस्टिक एनहाइड्राइड का फार्मूला आप ध्यान रखेंगे इस तरह से सूत्र में, ऐसे देखिएगा इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O फिर O CH3 और C डबल बॉन्ड O फिर O, एसाइलेशन में एक ग्रुप यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा मेथिल, इधर आ जाएगा आपका इधर एच आ जाएगा, इधर OCH3 आ जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल O CH3 एस्टर बन जाएगा। अब आते हैं रिएक्शन विद RMGX, RMGX रिएक्शन में हमने बताया था आपको, सबसे पहले ही बता दिया था कि R हमेशा माइनस में, MgX हमेशा प्लस में टूटेगा, इसको याद रखेंगे। ठीक, अब उसका रिएक्शन विद RMGX क्रिया करेगा तो बन जाएगा RH, देखिए ये आपका ये माइनस है ये प्लस है और ये प्लस है इधर माइनस है तो यही लेकर के बन जाएगा RH। रिएक्शन विद डाईमेथिल सल्फेट ध्यान रखेंगे, इससे क्रिया होगा तो बन जाएगा ईथर और मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। ठीक, अब आते हैं इसमें, इसके बाद इसमें देखेंगे ये यहाँ पर रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप, इसमें जो भी रिएक्शन OH ग्रुप के कारण प्रॉपर्टी होगा, देखिए इसमें हो जाएगा O और इधर का H, बस बन जाएगा आपका मेथिल नाइट्रेट बन जाएगा। उसका रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, ZnCl2 बस्ती में हैलोजन एसिड से क्रिया करने के बाद मेथिल क्लोराइड बन जाएगा, रिडक्शन रेड फास्फोरस से चाहिए बस्ती में रिड्यूसिंग एजेंट है और बन जाएगा मिथिल बन जाएगा। रिएक्शन विद NH3 मेथिल एमीन बन जाएगा। ठीक, PCl5 साथ क्रिया CH3Cl बन जाएगा, पहले पढ़ें आप इसके साथ क्रिया होगा CH3Cl बन जाएगा। देखिए अब रही बात PCl5, हमेशा जब भी PCl5 एल्कोहल के साथ क्रिया करता जैसे ROH है या CH3 कर देते हैं, CH3 है और यहाँ पर H है तो ऐसे ब्रेक करेगा PCl, यहाँ पर रहेगा आपका हो जाएगा Cl हो जाएगा, PCl3 हो जाएगा और Cl हो जाएगा, यानी POCl3 निकल जाएगा Cl निकल जाएगा CH3Cl, अगर SOCl2 है तो भी ध्यान रखेंगे आप इस तरह से बन जाएगा SO2 निकल जाएगा और HCl और CH3Cl बन जाएगा। क्लियर, अब आते हैं इसमें जो आपका इतना रिएक्शन हो गया आपका, इसमें देखते हैं ये रिएक्शन ड्यू टू कंप्लीट एल्कोहल मॉलिक्यूल के कारण, कंप्लीट एल्कोहल मॉलिक्यूल में सबसे पहले नंबर एक पर डिहाइड्रेशन, जल निकल जाए, ध्यान रखेंगे अगर कंसंट्रेट H2SO4 140 टेम्परेचर तब तो मेथिल एल्कोहल का जल का एक मॉलिक्यूल का ईथर बनेगा, और ये Al2O3 250 रखेंगे तब भी ईथर ही बनेगा, ध्यान रखेंगे क्या बनेगा ईथर, इससे एल्की नहीं बन सकता क्योंकि कई कार्बन है। अब आते हैं रिएक्शन विथ, ये तो हो गया रिएक्शन विथ एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होने पर ये बन जाएगा आपको। ठीक, अब आते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन का पर 300 रहेगा तो हाइड्रो निकल जाएगा फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, रिएक्शन विथ एनहाइड्रोसाल्ट एडिशन कंपाउंड बनता है, देखिए बन गया। ऑक्सीडेशन जो है K2Cl2 से बना H2SO4 रहेगा, अगर ये रहेगा तब तो फिर ये भी H2O प्लस CO2 बन सकता है, फिर उसके बाद ये अगर ये रहेगा तब तो फॉर्मल्डिहाइड बन सकता है, अगर O2 और प्लेटिनम रहेगा तब तो फॉर्मिक एसिड आपका बन जाएगा, समझ पा रहे ना, ये चार सौ प्लेटिनम फॉर्मेशन बन जाए। अब इसमें जो आपका कुछ बचता है मेथिल एल्कोहल के कुछ टेस्ट बचते हैं, उस टेस्ट को आप देख लीजिए, यानी टेस्ट ऑफ मेथिल एल्कोहल, यहाँ लिख लेंगे TEST, टेस्ट ऑफ CH3OH, मेथिल एल्कोहल का टेस्ट क्या है। मेथिल एल्कोहल के टेस्ट में सबसे पहले आप देखेंगे नंबर एक में अगर मेटल है, मेटल यानी धातु की अभिक्रिया, मेटल की अभिक्रिया CH3OH मेथिल एल्कोहल के साथ कराते हैं तो इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है H2 गैस, ये पहचान
में टेस्ट है। नंबर दो में देखेंगे, अगर आप आई टू प्लस एन ए ओ एच के साथ क्रिया कराते हैं, किसका, मेथिल एल्कोहल के साथ, मेथिल एल्कोहल क्रिया कराते हैं, यहाँ पर सी एस थ्री ओ एच, यानी आप सी एस थ्री ओ एच के साथ क्रिया कराएंगे, तो डू नॉट एलो पी पी टी फार्म, एलो पी पी टी फार्म, डू नॉट एलो पी पी टी फार्म नहीं बनेगा, क्लोरोफार्म या एडोफार्म जैसा इस तरह से टेस्ट नहीं देता है। तीसरे नंबर देखेंगे, तीसरे नंबर में सी एस थ्री ओ एच का अगर हम ऑक्सीडेशन करा देते हैं, किसकी उपस्थिति में, के टू सी आर टू ओ सेवन आब्लिक एच प्लस, इसकी उपस्थिति में कराते हैं, तो एच सी एच ओ की विशेष गंध आती है, एच सी एच ओ की विशेष गंध आती है, क्या आती है, विशेष गंध, फार्मेल्डिहाइड की गंध आती है। और एक लास्ट में चौथे नंबर में जो है, अगर हम कंसंट्रेट एच टू एस ओ फोर प्लस साइलिसिलिक एसिड, एस एल सी वाई एल साइलिसिलिक एसिड, कंसंट्रेट एच टू एस ओ फोर प्लस साइलिसिलिक एसिड प्लस सी एस थ्री ओ एच मेथिल एल्कोहल ऐड करते हैं, तो इसमें स्पेशल स्मेल आता है, एस पी ई सी स्पेशल स्मेल, एस एम ई स्पेशल स्मेल आता है। ये चार जो है मेथिल एल्कोहल के टेस्ट हैं, इसको याद कर लीजिएगा। मेथिल एल्कोहल की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई।